नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं जिस जगह पे आज मौजूद हूँ, यह जगह देश की राजधानी दिल्ली की है। उसी दिल्ली में जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, और जहाँ पर दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब बैठते हैं। लेकिन ये हालात दिल्ली के हो चुके हैं, इस क्षेत्र के हो चुके हैं, कि इन लोगों को जो भीड़ आप देख रहे हैं, इन महिलाओं की भीड़ को आप जो देख रहे हैं, ये कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से, कोई 100 साल से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनको इन्हीं के घरों से अब भगाया जा रहा है। सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो इनको इनके घरों से भगाने की साजिश कर रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं। चलिए सीधी बातचीत करेंगे। क्या क्या बात है आप लोगों की, क्या परेशानी है, जरा कैमरे पे बताइए आप। हमारी कोई हमारी ये परेशानी है, हमारे को हमारे घर से निकाला जा रहा है। ये मुसलमान अपने हमारे घर को अपना बना रहे हैं। यूँ कह रहे हैं ये हमारी है, तुम निकलो, तुम निकलो। अब एक बार बताओ, हम इतने साल से रहे तो हम कैसे निकल जाएंगे। जब हमारे वो 5 साल से उनके माँ बाप यूँ कह रहे हैं, हमारे को गिफ्ट दिया, मेरे बाप ने उसको गिफ्ट दे दिया, और हमें इतने 100 साल से रहने वाले बंदे, और उनका क्या होगा। वो तो अपने यहाँ पे फ्रेप कर रहे हैं ना, आके यहाँ पे धोखा दे रहे हैं हमको। वो तो जबरदस्ती हमारे को हमारे घर से निकाला जा रहा है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। यही चक्कर में मेरे पापा अस्पताल में बीमार हो रहे हैं। अब अभी उनको लेके गए थे, 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए जब से ऐसा हो रहा है। बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमें जबरदस्ती हमारे घर से निकाला जा रहा है। हमारे आदमी नहीं, हमारे पापा के खुद ही है। हम ही कमाते, हम ही खाते, हम ही अपने पापा की देखभाल करते, उनको अस्पताल ले जाते हैं। बताओ हम क्या करें, हमारे घर में कोई भी नहीं है। हमारे पूरा अभी अभी मेरी बहन अस्पताल गई है, कल से हम अस्पताल भी नहीं गए उनके पास। तो उनकी हालत इतनी खराब हो रही है। बताओ क्या करें, हमारे घर से हमारे को निकाल रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पे रहते हैं। हम 100 साल हो गए रहते हुए। हमारा हमारे पापा का जन्म यहीं का है, हमारे पापा का जन्म यहीं का है, हमारा जन्म यहीं का है, हमारे भाई बहनों का जन्म यहीं का है, सबका जन्म यहीं का, हमारे बाप दादाओं का भी जन्म यहीं का है। और वो कह रहे हैं हमारा। अब ये बता दो, उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं, हमारे पास तो सब प्रूफ होने के बाद भी हमारे घर से हमें निकाला जा रहा है, क्या करे बताओ। अम्मा कितने साल से आप रहती हो यहाँ पे। मेरे को हो गए मैं 12 साल की आई थी, 12 साल की शादी होके आई थी मैं। उसके बाद में 64 साल की हो गई मैं, इतने साल हो गए मेरे को, 64 साल हो गए। हाँ, और हमारे सास ससुर दादा दादी सब यहाँ ही खत्म हो गए। अब ये 5 साल से हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारी जगह, हमने नीचे का फ्लोर दिया था, तुमने 3 मंजिल कैसे बना लिया। बच्चे होएंगे, बड़े होएंगे तो बढ़ाया ही जाएगा ना, उनके लिए तो करेंगे ना। अब कह रहे तुमने कैसे बनाया, इसको खाली करो, हमारा मकान है। कौन कहता है खाली करो हमारा मकान। मुसलमान 5 साल हो गया, मैं परेशान करते ये परेशानी है हमें, पूरे मोहल्ले को ये परेशानी है, सारे हिंदुस्तानी मोहल्ले को। सबके लिख लिख के कभी फोनों में भेजेंगे, कभी कागज लिख के भेजेंगे, ऐसे भेज रहे हो। किसी को चाय का क्या नोटिस आता है आप लोगों का। नहीं, हमारे नोटिस नहीं आया, हमारे को तो नोटिस क्यों आएगा, जब हमारा घर है तो नोटिस क्यों आएगा। इधर ये बताओ, हमने जन्म यही लिया, यही पैदा हुए हैं, ये बताओ जरा, बच्चे भी हमारे यही हुए हैं, ये हमारा पीआर है। 40 साल, मैं 44 साल की हूँ। अब इससे लगा लो मेरे पापा कितने साल के होंगे। मैंने दादा भी देखे, दादी भी देखी है, हमारे सामने खत्म हुए दादा दादी। अब मेरी मम्मी की सास सूस भी इनके सामने खत्म हुई। अभी बताओ कितनी पीढ़ी हो गई है। मेरी मम्मी 11 साल की आई है। जी बताइए, 21 तारीख को आए थे, 8-10 बंदे आए थे, पुलिस भी आई थी साथ में, वकील वगैरह वैली वगैरह आए थे। तो वो उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में अपना मकान खाली करो, तुम्हारे हमारे पास नोटिस आया। हमने ये कहा कि नोटिस दिखाओ, वो हमसे पूछ रहे थे आपके पास नोटिस आया है। अगर हमारे पास नोटिस आया होता तो हम भी तो अपने वकील को बोलते, किसी ना किसी को तो बोलते ना। हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हम घर पे अकेले थे, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, कोई
घर पे कोई भी नहीं था, एक ही मेरी बहन यही थी क्योंकि इसके पापा को इसको अस्पताल लेके जाना था और घर कोई नहीं था। उन्होंने कहा आधे घंटे में खाली करो नहीं तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे और तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए लेडीज पुलिस बुला के तुम्हें भी बाहर धक्के दिलवाएंगे। लेडीज पुलिस भी आई थी। एक मकान में सात परिवार रहता है, सात परिवार, छोटे छोटे घर बने हुए, छोटे छोटे घर रहे, बस खड़े होने की भी जगह नहीं है। चलो पता नहीं कैसे भी निकाला जा रहा है, इन्हीं का ही तो है, मेरा ही तो है, आप हमारे घर चल के देखो, आप हमारे घर चल के देखो, अगर कोई घर तुम्हें बनाया हो क्या कुछ नया नया घर तो ऐसे ही पता चल जाता और पुराने में भी पता चल जाता। आप देखो कितने साल पुराना घर बना हुआ है, जैसे बना था वैसे का वैसे ही है। 100 साल पहले कहाँ थे वो लोग जो अब अपना हक जमा रहे इस घर पे? 100 साल पहले कहाँ थे वो? हमारे दादा थे, परदादा थे, जब क्यों नहीं आए वो अपना हक जमाने? वो अब क्यों जमा रहे अपना हक? अपना हक क्यों जमा रहे? अगर कोई बनाता है उस झोपड़ी को भी वो खाली करके नहीं जाता, उसकी जगह भी मोदी मकान बना के दे रहे तो हम अपना मकान खाली क्यों करें? हम क्यों जाए जबकि हमारा मकान है? आज एक सड़क में भी कोई तरपाल डाल के बैठ जाएगा, 5 दिन बैठ जाएगा, वो भी कहेगा ये जगह मेरी है। तो क्या उन लोगों ने किसी के मकान पहले खाली करवाए यहाँ पे? आए आगे गली में एक मकान खाली करवा चुके हैं, जो सिक्कों का था वो मकान खाली। क्या इधर आए, थोड़ा सा साइड दीजिए, क्या 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 बताइए बताइए बताइए, आगे आइए, यहाँ आइए। यही पहले मकान थे इनके, ये खाली करवाए उन्होंने और यहाँ बिल्डिंग बना ली है, कारखाने खोल लिए यहाँ पे। यहाँ पे आग भी लग चुकी है पहले, आज से 5 साल पहले आग भी लगवाई इन्होंने, और अब हमारे मकानों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले परिवार रहता था। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? मेरी शादी को 30 साल होने वाले हैं जब से मैं आई थी। ससुर वगैरह, सास ससुर मेरे सब यही है, हम सब एक ही परिवार है। हमारे परिवार में ही, हमारे परिवार को इन्होंने इस टाइम अपना वो बना रखा कि खाली करो। यानी इस तरीके से किया जाता है कि पहले आपको कैप्चर कर लें, फिर 6 महीने बाद किसी और पे, फिर 3 महीने बाद किसी और पे, यही हो रहा है, यही हो रहा है, धीरे धीरे नंबर बाई हो रहा है ये सब। इनका ही फोन हो रहा है, क्या इधर आइए, फोन कर रहे हैं, वो फोन पे कह रहे खाली करो हमारा मकान है, आपको भी कहा जा रहा है, कह रहे हैं फोन कर खाली करो। हमें पता नहीं है कि नंबर इनको कहाँ से मिल रहे हैं हमारे फोनों के, नंबर बता, फोन कर करके हमें मना कर रहे हैं। कुछ नहीं, रजिस्ट्री है ना, अपने नाम रजिस्ट्री बनवा के, और यहाँ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और हम पैसा देंगे, वो तो पैसे जो डर गए वो पैसा ले लेके निकल गए उनसे। अब बताओ हम तो, हमारे पास तो ना पैसा है ना कुछ, आदमी कमाने वाले नहीं है। मेरे पापा की हालत देखो, मेरी मम्मी काम पे जाती है, ये देखो, ये चाची मेरा चाचा नहीं है, कहाँ जाएंगे? सारी लेडीज काम करने वाली है हमारे घर में, सारी लेडीज काम करने वाली है, कोई जेंट्स है ना काम करने वाले नहीं है, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, उनकी हालत खराब रहती है। आप बताओ क्या करेंगे? 7 साल की, हाँ उम्र मेरी 7 साल थी, लाडो देवी मेरा नाम है, और अब मेरी उम्र हो रही है 80 के लगभग, 80 साल, 80 के लगभग है मेरी उम्र, ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है, तो हमें निकाला जा रहा, तो कहाँ जाए बेटा, हमें कोई सहारा नहीं है, बेसहारे हो रहे हैं हम, तो हमें निकालने के आ रहे एकदम से, कैसे आ रहे जोर है, ये ज्यादा अटैक उन लोगों पे कर रहे हैं जो कमजोर है, जो बोल नहीं सकता ना उनके ऊपर, अगर घर में कोई भी नहीं है, बच्चा भी है ना, तो ये घुस रहे हैं घर में और सामान निकाल के बांध रहे हैं खुद ही कट्टों में, और कोई ये नहीं है कि क्या हमको किसी ने बताया, कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं है, ताला लगा के खुद ही जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। हमारे पापा मतलब खत्म हो गए, छोटी छोटे थे जब हमारे पापा खत्म हो गए, हमारी मम्मी ने हमें कैसे ही पाला है, शादी ब्याह करा है हमारा, और ये आज हमसे कहते हैं मकान खाली करो, हम कहाँ से करें मकान खाली, हम बिल्कुल नहीं खाली करेंगे, क्योंकि हम अपना मकान छोड़ के क्या कहेंगे। माता जी आप कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? मेरे को भी 35 साल हो गए यहाँ रहते हो, 35 साल मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं छोटी सी उम्र में खत्म हो गए मेरे, नहीं है वो बच्चे मेरे बहुत छोटे, हम गोद के थे, हम गोद के बच्चे थे, छोटे थे मेरे। क्या दुख आप लोगों के सामने है? मकान जा रहा हमारा, मकान खाली नहीं होना चाहिए, परिवार है ये सारा, परिवार है हम लोग, परिवार हमारा, मकान, सात भाइयों की फैमिली है, दोरानी जिठानी है, ये इनकी बेटियां हैं, ये इनकी बेटियां हैं, सब तीनों में तो बहू है, ये बेटियां हैं सब, जैसे माँ के गोद में से बच्चा छूट जाता है तो ये माँ के सत्ता से छत जाएगी तो क्या बीतेगी, ये बताओ जरा, है
माँ के गोदी में से बच्चा छूटता है तो रोता है नहीं रोता? अब माँ के सर पर से छत जाएगी तो बच्चा क्यों नहीं रोएगा, ये बताओ जरा। रोना आएगा नहीं आएगा बेटियों को? ये कैसे आके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को? जब हमने सरू से हमने यहीं पर ही खेले कूदे हैं तो अब कैसे खाली करेंगे हम अपना मकान, ये बताओ जरा। दुख नहीं लगता हमें अपने मकान की चीज का? कैसे दूसरों को दे देंगे हम अपनी प्रॉपर्टी, ये बताओ जरा। वो सामान आके धमकियां देते हैं, पापा ने हमें गिफ्ट दिया है, उसका गिफ्ट है तो लाल की लाली हमारे हमारे उनके पापा ने गिफ्ट दिया, हमारे पापा ने भी तो हमें ये मकान गिफ्ट दिया हमें, जब तो आज हम रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे पापा के पापा ने भी तो गिफ्ट दिया है, जब तो हम यहाँ रह रहे हैं ना। नहीं हमें जब भी तो रह रहे हैं, इतना टाइम हो गया, हम अपना परिवार को कैसे छोड़ दे, कैसे हमारे छत को छोड़ दे? अब वो चार दिन से 5 साल से आके अपना घर बना रही है, अब वो एक बार आ जाए बस। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना, उस अहमद को, उसकी बीवी को, उसके पूरे परिवार को, उसके इल्जाम लगा के जाएंगे। अगर हमें पापा को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे, घर खाली नहीं करने देंगे। या जिस घर में शादी होकर आए, आज वहाँ पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भाई आपको खाली कराया जाए। षड्यंत्र रचा जा रहा है बिल्कुल सर, फर्जी रजिस्ट्री बनवा रही हैं और कह रहे हैं कि हमारे घर है ये, तुम किराएदार हो। मैंने बोला तुम किराएदार कैसे बता रहे हो हमें? कहने लगा इसकी रजिस्ट्री है हमारी, अब ये बताओ कब खाली करोगे? हमारा दरवाजा बजा बजा के जाते हैं, हम डर के हमारे कुंडिया भी नहीं खोलते अंदर से। अलग अलग ऐसे हल कर रखे हैं सबों के घर में, सबके घर में ऐसे हल कर रखे हैं, जैसे आज हमारे घर से निकाल रहे ना, ऐसे इनके घर से भी ऐसी बात है, इनके घर से भी ऐसी बात है, सबों के घर में ऐसे कर करके जा रहे हैं वो। कोई गुंडागर्दी भी आप लोगों को दिखाई जाती है, धमकाया जाता है आप लोगों को? गुंडागर्दी जिस दिन साजी अहमद आई थी उसकी फोटो, वो जिस दिन साजी अहमद आई थी ना, उससे हमने रिक्वेस्ट कर रहे थे, मारा पीटी कुछ नहीं कर रहे थे, मगर हमको धक्का दिया जा रहा था, उसको उठाया जा रहा था जैसे हम उसको मार रहे हैं, हमको उठा रहे हैं, हमें मार रहे हैं, मुझे धमकी दिया कि अगर तू ज्यादा वो करेगी तो तेरे को मरवा देंगे, तेरे को बंद करवा देंगे, ऐसे बोला गया मेरे से। अब बताओ क्या करें हम? अगर कल को हम मर गए तो उसी का नाम आएगा, साजी अहमद का उसी का नाम आएगा। अगर मेरे को कुछ हो गया कर गया हम मर गए ना, तो हम उसी का नाम लेंगे, साजी अहमद है, साजी अहमद, तो हम कुछ भी होगा तो उसी का नाम आएगा, उसी ने हमको धमकी भी दी है। पापा तो मौत के उसमें झूल रहा है, इसका पापा मर गए तो टेंशन में, आईसी रूम में पापा अटैक आ गया उसको, हम भी विधवा है, मैं भी विधवा हूँ। क्या कह रही हूँ माता जी? ये विधवा बिचारी है, क्या करेगी बताओ, ये छोटी से वो विधवा, बाप के कोई बेटा नहीं है, वो हॉस्पिटल में ये कैसे भाग दौड़ कर रही है ये बताओ, वो अपने बच्चे छोड़ के दूर से राजस्थान से आई है, बताओ क्या करेंगी ये बच्चे हैं? अभी उसको कुछ हो जाता है तो वो बच्चों का कौन, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? ये महामारी जब से पापा बीमार ही रहते हैं, इनकी मामा दी है 10 साल हो गए हैं, जब से बीमार ही रहती है इनके पापा, जब भी छोड़ के मर गए, आपने घर की मुश्किल से पाले इनको, छोटे छोटे से बड़ी मुश्किल से पाले हमने, बड़ी मुश्किल से पाले थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को, जो लोग इनके घरों से इनको बेघर करने की साजिश रच रहे हैं, आखिर कौन है वो लोग, कैसी सोच है उनकी, क्या इंसानियत उनके दिलों से खत्म हो चुकी है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों के घरों को अब कैसे बचाया जाएगा, कौन लोग होंगे जो इनके सहयोग में खड़े होंगे? लगभग 300 हिंदू परिवारों को यहां से उनके घरों पर ताला मारा जा रहा है, और ताला मारकर उनको ये कहा जा रहा है कि आप ये जगह छोड़िए, आप इस घर को छोड़िए, आप यहां से जाइए, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये मकान मेरा है। लेकिन बड़े सपनों के साथ इन लोगों ने इस मकान को सजाया, अपने घरों को सजाया, कोई यहां पर पैदा हुआ, कोई यहां पर खेला, कोई यहां पर शादी होके आया, लेकिन आज जो लोग यहां 100 साल से रह रहे हैं उनको इन्हीं के घरों से निकालने का जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से चलाया जा रहा है, और इनको इनके घरों से निकालने की तैयारी हो चुकी है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ दिल्ली से।